हरियाणा की आवाज उठाने के लिए सिर्फ चौटाला ही परिवार उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। ये इसलिए जीतेंगे जी क्योंकि पीछे तो पार्टी टूट गई थी, इसलिए दो खाड़ हो गई थी, इसलिए ज्यादा मतलब वोट नहीं हो सके थे। सरसा में सबसे ज्यादा लीड रानी सीट की होगी। अच्छा। सबसे ज्यादा लीड मौके की रानी सीट की आएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज इस वक्त मौजूद है गांव डुडिया वाली जो कि रानिया विधानसभा में आता है। यहां की पब्लिक का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है, इस बार किस नेता का यहां ज्यादा रुझान है, आइए लोगों से बातचीत करते हैं। बहुत बढ़िया जी। किस पार्टी का ज्यादा इनेलो दा जी इनेलो दी गल करिए ता अर्जुन सिंह चौटाला दे उम्मीदवार नहीं की कुछ लग रहा उन्हें बारे। जब जिदा इन्होंने पहला राज किया बहुत उम्मीदा इन्हों तो है ना, एक लोकल इतों दे मैनू लगता 15 साल हो गए इतने किसी ने कुछ किया भी नहीं, असं क्यों पाइए किसी होर वोट है ना। तो कई रीजन आ मैनू ए लगता भी बहुत कारण जिहड़ा एनएलओ नूं वोट पाउण दे। सोच इदा ही है मैम भी जिवें आप सानू पानी की बड़ी लोड़ आ फ्लडी की है ना, नहर की असं बहुत कहने भी सानू उम्मीद आ भी यही लिया सकते हैं ना, जिदा बिजली आ जां कुछ होर बड़ियां होंदियां तुहानूं पता निक्के निक्के प्रॉब्लम आ, असीं जिमीदार बंदे आ है ना, किसानी रिलेटड सानू प्रॉब्लम आउंदियां यही चाहते हैं भी वह सैट हो जाए, होर तो कुछ खास तो सानू भी लोड़ नहीं। हुण मैं खुद हैंडीकेप मैं नौकरी नहीं मिली, जे मैं ऐ लगता एनएलओ होंगी तो शायद मैं लै लेंदा है ना। हाँ बिल्कुल, साड़ी सारी नहीं ली किसी ने, होर पूछा ही नहीं किसी ने, कोई आया ही नहीं इतने, सानू वोटा कह नहीं आते एनएलओ तो बिना होर। हाँ कोई इतने कोई देखा नहीं, कि कोई सुनया नहीं, साड़ी बाटाणी आ अर्जन गए सू वोट कह, होर कोई वोट कह ही नहीं आता, साड़ी लोड़ ही नहीं समझते हरियाणे की सरसे की। अर्जुन चौटाला जीतन गए। हाँ जी, पिंड का हम एक पास ही हो रहा जी, पिंड का सारा माहौल अर्जुन वाले, इसकी वजह जी बदलाव चाहते हैं लोग, हूँ बदलाव आ रहा है। हाँ जी, हाँ अर्जुन चौटाला युवा नेता है जी, चंगी सोच रखते, बाकी इन्होंने देवी लाल के परिवार चो है, चंगी सोच रखते, ये करके इन्हों हूँ मौका मिलेगा। हरियाणा की आवाज उठाने के लिए सिर्फ चौटाला ही परिवार उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। हमें इस बीजेपी सरकार के अंदर ना डीएपी मिली है टाइम पर, ना यूरिया मिली है, फर्टिलाइजर डुप्लीकेट, बीज डुप्लीकेट, किसानी है वो बहुत ही बैक साइड में जा रहा है, और हमें ये उम्मीद है भी इन परिवार से, ये आप किसान हैं, किसान के हित की ही सोचेंगे, ये बात है। लगता है अर्जुन जीतूगा जी, शोर जीतूगा पक्का। वजह जी साडे सरसे जिले, इत्थे सरसे जिले च कम कोई भी नहीं हो रहा जी, ये चटाले वाले सानू आस है भी जे बन तो कुछ ना कुछ साडे जिले का कोई कम हो जी। अर्जुन चौटाला पूरी वजह ये डुडिया वाली में हमारे जिले का है, हमारे एरिए का है, इसलिए हम वोट सभी गाँव वासी इसको, पूरा गांव एक तरफ है। तो क्या लगता है इलाके से सीट निकाल देंगे? हाँ जी। तो उम्मीद क्या क्या की जा रही है, जो पूरा गांव एक तरफ हो रखा है, क्या उम्मीद है, क्या कुछ लग रहा है? इनके पीछे के गुण है ना चौधरी देवीलाल जी के, उनके गुणों को देख कर हम इनके पीछे है। अर्जुन चौटाला जी क्लियर है, हाँ जी पूरा पूरा क्लियर जी। और गांव टुडिया वाली की बात करें तो? हाँ गांव से नहीं, पूरा कंप्लीट जीत रहे हैं, हाँ पूरा कंप्लीट, हाँ एक तरफ। और इसकी वजह की बात करें तो? वजह जितनी नहीं है ये है जी, इनकी रिस क्या करें, कोई इनके आंखों में पहिया पहिया सुरमा लगता है। अच्छा। समझे आप, इनके चौटाले वालों के, हाँ सभी के, बिल्लू के कर लो, अर्जुन के कर लो, कर्ण के कर लो, तो इनकी रिस कौन करेगा कोई, ये बात क्लियर है। उम्मीद पूरी है जी, हमारे काम पहले इन्होंने कराया सारे, जो नहर हैं, जो कोई भी नहर है या कोई जमींदार का काम था, जो भी इन्होंने कराया, फिर हमारे एरिए करेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, हल्का हल्के दस रहे जी, बाकी कैंडीडेटा की कंडीशन दस रही है, रणजीत सिंह
पिछली बार आजाद कैंडिडेट के तौर पर खड़े होकर उन्होंने ये गल कही सी आम जनता के सामने भी मेरा ये लास्ट इलैक्शन है। फिर उस तो बाद दूसरी पार्टिया के कैंडीडेट है, कांग्रेस पार्टी ने कैंडीडेट एक ऐसा खड़ा कराया जिन्होंने कोई जानता ही नहीं है, ना वो खुद किसी पिंड किसी बंद जानता है, ना कोई किसी पिंड का बंदा उन्होंने जानता है, तो उन्होंने कोई इस मामले कि है नहीं गा। फिर दूजा बीजेपी की तरफों आप देखिए तो बीजेपी के इन्होंने शिशपाल कंबोज पहला प्रेजिडेंट जरूर रहे इतने जिला प्रेजिडेंट, बट उन्होंने भी पिंड रुझान एडा लोगों को आवाजाई नहीं रखी पिछले टाइम के लोग उन्होंने भी इन्ने नहीं जुड़े हुए थे, तो वह भी पिंड अगर जाते हैं तो कोई ज़्यादा जानकारी ना होने करके तो लोगों का पुराना रुझान जरा पिछले चौधरी देवीलाल तो लैके इन्हों जुड़िया हुआ वो लोग हौली हौली आपका बैकअप वापसी उधर कर गए। मेरे हिसाब न जे अगर 90 सीटों के इनैलो के तरफों अगर कोई श्योर सीट है तो पहले नंबर पर राणिया ही है, चाहे खुद अभय सिंह एलनाबाद तो कैंडीडेट है प्रायमरी सीट हालांकि उन्होंने वो है, बट राणिया सारे नालों ही ज़्यादा सेफ सीट है। इस बार जी इनैलो का माहौल है जी बिल्कुल गाँव में माहौल है या पूरे राणिया इलाके पूरे राणिया में जी पूरे हरियाणा में भी मतलब बीजेपी थोड़ा सा तंग आ रही है दुनिया, तो उम्मीद है भी इनैलो कुछ खास लेके आवेगी हरियाणा खातर राणिया खातर और बुढ़िया वाले। आप कह रहे हो कि बीजेपी से तंग है, बीजेपी से तंग होकर तो कांग्रेस की तरफ भी जा सकते हैं, आम आदमी पार्टी की ओर भी जा सकते हैं, इनैलो की तरफ भी क्यों आएंगे? इनैलो की तरफ जी राणिया बढ़िया कैंडिडेट है जी कांग्रेस नूं और उम्मीद है भी मारी आवाज अग तक लेके जाओगे अर्जुन जी, तो यही बात है। अर्जुन चौटाला जीतेंगे जी, ये इसलिए जीतेंगे जी क्योंकि पीछे तो पार्टी टूट गई थी इसलिए दो खाड़ हो गई थी, इसलिए ज़्यादा मतलब वोट नहीं हो सके थे। अब चौधरी रणजीत सिंह ने कोई काम किया नहीं और कांग्रेस तो पीछे 10 साल पहले ही देख चुके हैं हुड्डा सरकार के अंदर, कांग्रेस ने उस टाइम भी कुछ काम नहीं करवाया था और चौटाला साहब की जो 1998 से लेके 2004 तक सरकार थी उस टाइम बहुत युवा छोरों को नौकरियाँ दी थी और बहुत ज़्यादा काम करवाया था जी। रानिया विधानसभा में अर्जुन चौटाला अच्छी लीड से जीतेगा, सरसा में सबसे ज़्यादा लीड रानिया सीट की आओगी। अच्छा। सबसे ज़्यादा लीड मौके की रानिया सीट की आएगी क्योंकि पहले हमारे विधायक चौधरी रणजीत सिंह थे, मंत्री भी थे, उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। पीछे हमारे चौटाला साहब की जब सरकार आई थी हमारे गाँव में सबसे पहले पीने के पानी की समस्या थी, वाटर हाउस बनाया उन्होंने 13 गाँव का, उसके बाद उन्होंने यहाँ हमारी मंडी बनाई चौटाला साहब ने, उसके बाद अर्जुन चौपाल भी उन्होंने बनाई, सरकारी अस्पताल उन्होंने बनाया, हमारा स्कूल 11 का उन्होंने बनाया, इतने विकास करे चौटाला साहब के राज में हमारे, उसके बाद यहाँ कोई विकास करे हमारे नहीं हुआ। हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की है जी, और चौधरी रणजीत सिंह जिस समय चुनाव लड़े थे पिछली बारी उन्होंने मैं से वादा करा था भी आपके फ्लडी नहर का पानी लगाऊंगा नहीं तो मैं आपके गाँव में वोट मांगने के लिए नहीं आऊँगा, लेकिन उन्होंने वो नहीं हमारी समस्या का हल नहीं किया। समस्या का क्यों नहीं किया कि उनकी वो तो काम करना चाहते थे लेकिन भाजपा सरकार उनकी मानती नहीं थी कोई बात, वो तो काम करना चाहते थे, हमारी फ्लडी का पानी देना चाहते थे, हम उनको माड़ा नहीं मानते, लेकिन भाजपा सरकार ने उनका काम कोई किया ही नहीं चौधरी साहब का। पुराना पुराने जो परिवार थे चौधरी देवीलाल जी के साथ वो सारे परिवार आज इनसे जुड़ चुके हैं जी, बीच में अलग हो गए थे, पिछली बार चौधरी रणजीत सिंह के साथ थे लेकिन अब की बार वो सारे परिवार ना दोबारा चौटाला साहब के साथ आ गई है और अर्जुन चौटाला की जीत से और मानते हैं। चौटाला का लड़का बनेगा अर्जुन चौटाला? हाँ। कैसे कह सकते हैं कि वो बनेगा? नहीं पब्लिक उनके साथ है, फिर बनेगा ऐसे तो नहीं बनेगा, पब्लिक उनके साथ है। हाँ। अगर अर्जुन चौटाला जीतते हैं तो क्या उम्मीद की जा रही है? उम्मीद तो परिवार की उम्मीद है और किंगी करा में रानिया विधानसभा में अर्जुन चौटाला जीतेगा। छोटी है छोटी। आप तो जैसे थोड़ा सा राजनीति में रही हैं, पूर्व सरपंच रहे हैं गांव के, तो आपको तो आइडिया होगा क्या लगता है कि रानिया से सीट निकाल देंगे? हाँ बिल्कुल राइट। तो गांव का क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा माहौल देख रहे हो आप, गाँव में कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अभी कई ज्वाइनिंग होने वाली है तो हाँ जो जुड़ने वाली है इन लोगों के साथ, इनके पास कैंडिडेट नहीं थे प्रहलाद साहब के पास, उसी मजबूरन उधर जाना पड़ा उसकी वजह से। तो उधर गए थे, विश्वास इतना जताया था, तो क्या कैसा रिस्पांस दिया था रणजीत चौटाला? देखो गांव में काम तो किए हैं, फ्लडी वगैरह भी निकाले जैसे हुआ वैसे काम किए हैं, बाकी अभी बीच में सरकार ने इनको इग्नोर कर दिए है,
उसकी वजह से कुछ काम नहीं हुए, अटके हुए हैं। उन्होंने सरकार ने उनको इग्नोर किया, तो उन्होंने भी अब सरकार को जो इग्नोर कर दिया। हाँ, तो अब वो दोबारा आ रहे हैं, तो क्या इंडिपेंडेंट आ रही है वो? इंडिपेंडेंट